بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जनाब नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم। ये सही बुखारी की हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर सही है और इसमें नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को ऐसी हिदायत अता फरमाई है कि अगर हमारा मुआशरा हम लोग उस पर ठीक ठीक अमल करने लगें तो हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ही तालीमात ऐसी हैं जो दुनिया और आखिरत की सलाह व फलाह का रास्ता बताती हैं, लेकिन यह हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है ये हमारी मुआशरत के लिए एक अहम संग बुनियाद की हैसियत रखती है। इसमें पहले तो आपने एक उसूल बताया, उसूल ये बताया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और ये दरहकीकत यही बात कुरान करीम ने फरमाई है, उसी की तशरीह में आपने यह इरशाद फरमाया। कुरान करीम ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। उसी की तफसील हुजूर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई के भाई होने के क्या तकाजे हैं वो बयान फरमाए। तो पहले तो उसूल बयान कर दिया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इसमें यह बता दिया कि इस्लाम में उखुव्वत और भाईचारा वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं होता कि मेरी नस्ल का है, मेरी जबान बोलता है, मेरे वतन का रहने वाला है। इस बुनियाद पर इज्तिमाईयत इस्लाम का तकाजा नहीं है। भाईचारे की असल बुनियाद इस्लाम है। जो मुसलमान है चाहे वो किसी रंग और नस्ल का हो, वो कोई जबान बोलता हो, किसी मुल्क का बाशिंदा हो, वो दूसरे का भाई है। और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, जबकि आपका आखिरी हज था और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद माह के बाद दुनिया से रुखसत हो गए, और ये कहकर आपने खुतबा दिया
कि शायद मैं आज के बाद तुम सब के साथ इस जगह पर तुमसे मुलाकात न कर सकूं। ये पहले सारे हाजरीन को ये पैगाम दे दिया कि ये मेरी आखिरी वसीयतें हैं। 1,24,000 साहबे किराम का मजमा था, मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे, मुख्तलिफ उसमें बाद मुख्तलिफ जबाने बोलने वाले भी थे। उन सब से खिताब करते हुए आपने फरमाया कि शायद मैं आज के बाद तुम्हें इस जगह पर न देख सकूं, यानी ये मेरा इतने बड़े मजमे के सामने मेरा आखिरी खिताब होगा। और उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए जो रहनुमा उसूल हैं वो बयान फरमाए और ये फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं कि मैंने तुम्हें हक बात पहुंचा दी। अल्लाह आसमान की तरफ नजर निगाह उठाकर फरमाया कि अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह आप गवाह रहिएगा कि मैंने इस बड़े मजमे के सामने सारी बुनियादी बातें बयान कर दी। अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, या अल्लाह मैंने क्या तबलीग का फरीजा अदा कर दिया ये सारी बातें बयान करने के बाद। अल्लाहुम्मा शहद, आप मेरे गवाह रहिएगा। उससे ज्यादा कीमती और उससे ज्यादा नाजुक और काबिल अमल कोई और दस्तूर नहीं हो सकता जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में बयान फरमाया। तो उसमें ये फरमाया कि ला फ़ज़्ल लिअरब अरबीन अला अजमी वला लि अस्वद अला अहमर वला लि अहमर अला अस्वद। खूब समझ लो कि किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। आप खुद अरब थे, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, आप सारी बातें अरबी में फरमाते थे, लेकिन खुला ऐलान कर दिया कि किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं है और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक्वा, अलबत्ता जो शख्स तकवा को इख्तियार किए हुए हो, तो जितना तकवा किसी में ज्यादा होगा वो दूसरों से अफजल होगा, चाहे वो कोई जबान बोलता हो, चाहे वो सियाफाम हो, काला हो, देखने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन अगर उसमें तकवा है तो हजार खूबसूरत लोगों से बेहतर है। ला फ़ज़्ल लिअरबीन अला जमी, लिहाजा पहले तो उसूल ये बतला दिया कि इस्लाम में जो इस भाईचारे का जो तसव्वुर है वो किसी जबान की वजह से नहीं, किसी वतन की वजह से नहीं, किसी नस्ल की वजह से नहीं है, बल्कि वो दीन की बिना पर है। और दीन में भी अफजल वो है जो ज्यादा मुत्तकी हो। यही वो बुनियादी सबक था जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हजरतुल वदा के मौके पर दिया। और जब तक मुसलमान इस उसूल पर कायम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। आप ये समझिए कि अबू जहल, अबू लहब और उतबा ये सारे अरब थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दुश्मनी ठानी। क्यों ठानी? इसलिए कि वो मुशरिक थे। और बिलाल हबशी को, हबशा के रहने वाले एक शख्स को जो गुलाम था और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने उनको आजाद कराया, उसको गले से लगाया और उसको इतना बड़ा फरीजा सौंपा जो इस्लाम की बुनियाद का सबसे अहम वजीफा है कि अजान उनसे दिलवाई। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो बैतुल्लाह की छत पर उनको खड़ा करके अजान दिलवाई।
मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह की छत पर खड़े होकर बिलाल ने अजान दी, जिससे के मक्का मुकर्रमा की फतह का ऐलान किया गया। ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, और उसके नतीजे जब तक मुसलमान उस पर कारबंद रहे और उखुवत इस्लामिया को अपनी बुनियाद बनाया, उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तरक्की करते चले गए। लेकिन दुश्मन जानता है कि ये मुसलमान ऐसी चीज है कि जब इस्लाम के नाम पर इनको जमा किया जाए तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा नारा इसके मुकाबले में दिया, वतनियत का, कौमियत का। वो ये कि एक वतन के रहने वाले वो उनके वो एक मुस्तकिल हैसियत रखते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, और एक कौम के लोग जो एक जबान बोलते हैं वो एक कौम है, और चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, और जो उस कौम से बाहर है वो अपना नहीं है, वो गैर है। ये तसव्वुर फैलाया, और इस तसव्वुर के नतीजे में आपने देखा कि खिलाफत उस्मानिया जो तुर्की में कायम थी और आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, उसमें अरब भी थे, उसमें तुर्क भी थे, उसमें हिंदुस्तानी भी थे, उसमें बर्मी भी थे, उसमें बंगाली भी थे, उसमें सिंधी भी थे, उसमें पठान भी थे, सब एक खिलाफत के परचम के नीचे जमा थे। जब तक वो खिलाफत कायम रही, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का रोब और दबदबा पूरी दुनिया पर कायम था। लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि ये इस्लाम का नारा ऐसा है जो मशरिक और मगरिब के इंसानों को एक परचम तले जमा कर सकता है, तो उन्होंने एक नारा लगाया कौमियत का। अरबों से जाकर कहा कि तुम्हारे ऊपर तुर्क लोग हुकूमत कर रहे हैं, और तुर्क लोगों से कहा कि तुम तुर्क हो और अरबों से तुम्हारी क्या निस्बत। और उसके नतीजे में उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया। अब अरब अलग हो गए, तुर्क अलग हो गए, और उसके नतीजे में कौमियत के इस तसव्वुर ने मुसलमानों की वो कुव्वत जो एक जगह मुजतमे थी उसको तोड़कर पारा पारा कर दिया। अब देखो आप कि ये जो अरब का जो लफ्ज है खिलाफत उस्मानिया में, उसमें देखो सऊदी अरब था, उसमें इमारात था, उसमें ये बहरीन था, उसमें उर्दुन था, उसमें शाम था, उसमें फलस्तीन था, उसमें ये सारे अरब ममालिक एक झंडे के नीचे थे, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाका और बर्मा और सिंगापुर, वहां तक खिलाफत उस्मानिया फैली हुई थी। यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर जो मशहूर मुल्क है, यूरोप के कई ममालिक वो खिलाफत उस्मानिया के जेर नगीत है, एक झंडे के नीचे। और उसका नतीजा ये था कि दुश्मन ताकतें कांपती थी खिलाफत उस्मानिया के जरिए। और हमारे बुजुर्ग जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले, वो तो तुर्की जानते ही नहीं थे। जमाने यारे मन तुर्की उमन तुर्की नमीदानम मशहूर हो गया था। तो लेकिन हमारे हजरात ने खिलाफत का नारा लगाया और खिलाफत के नीचे आने की कोशिश की, ताकि मुसलमानों का ये जिस्म वो एक जिस्म रहे और दुश्मन के मुकाबले में काम करे। लेकिन ये वतनियत और जबान और रंग और नस्ल, ये फितने के फितने फैलाकर हमारी इस वहदत को पारा पारा कर दिया गया। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मिल्लत का कफन है। ये वतन का लफ्ज कि मेरा वतन है, लिहाजा वतन के अंदर रहने वाला मेरा ठीक है, ये अपनी जगह है कि भाई
एक वतन के रहने वाले आपस में उनके उनके भी हुकूक होते हैं और उनके उनके साथ भाईचारा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत के लिहाज से अगर भाईचारा हो सकता है तो वो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर हो सकता है। वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरका बंदी ना करो। ठीक है भाई, हमारे अपने वतन का रहने वाले हम वतन है तो उससे हम वतन होने के लिहाज से भी मोहब्बत होती है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसमें कोई शक नहीं है। वो मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारी जबान बोलता है तो मैं उसी के साथ मोहब्बत रखता हूं, उसके साथ मेरी मुनासिबत होती है, उसके साथ मेरे ताल्लुकात होते हैं, ये अपनी जगह। लेकिन बहसियत मजमूई पूरी उम्मत का जो तसव्वुर है वो कौमियत या वतनियत की बुनियाद पर नहीं है, वो दीन और इस्लाम की बुनियाद पर है। ये उसूल है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल वदा के मौके पर भी इरशाद फरमाया और इस हदीस में भी बुनियाद इसको बनाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब भाई होने का तकाजे क्या है वो आगे इस हदीस में बयान फरमाए। सबसे पहला तकाजा ये बयान फरमाया कि ला यज़लिमुहु, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। एक मुख्तसर लफ्ज है कि जुल्म नहीं करता और उसमें बहुत सारे मानी उसके अंदर पोशीदा है। जुल्म ना करने का माना क्या है कि कोई ना इंसाफी नहीं करता। ना इंसाफी चाहे वो इस तरह हो कि उसके माल पर नाजायज कब्जा कर ले, ये जुल्म है। अब इसमें रिश्वत इसी में आ जाती है कि आप एक ऐसे काम पर एक अपने भाई से पैसे ले रहे हैं कि जो तुम्हारे जिम्मे पहले ही फर्ज था। तुम इस नौकर इस काम के लिए बैठे थे, तुम मुलाजिम इस काम के लिए हुए थे, तुम्हारे फराइज मनसबी में यह दाखिल था और वो काम करते हुए आप कहते हो मुझे पैसे पहले पैसे दो तो मैं यह काम करूंगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ा जुल्म है, किसी के माल पर नाहक कब्जा कर लेना। मीरास में एक शख्स का इंतकाल हुआ, अब शरीयत का हुक्म यह है कि उसके तमाम वरसा को शरीयत के मुताबिक उसके हिस्से दिए जाएं, उसमें मर्द भी है औरतें भी हैं। लिलराज नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वलअक्रबून वलनिसाई नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वलअक्रबून, औरतों का हिस्सा अलग बयान फरमाया सरकार रिज़वान अल्लाह अलैहि वसल्लम। लेकिन आज क्या होता है कि कोई साहिब जायदाद, वो फर्ज करो कि कोई बड़ी जायदादें माल दौलत कारोबार छोड़कर गया, तो जो कवि या बड़ा भाई है वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है और दूसरों के हुकूक अदा नहीं करता। और औरतों का तो हक दिया ही नहीं जाता बेशतर मुआशरों में, औरतों को मीरास में कोई हक नहीं दिया जाता। अब ये इस्लाम के शरीयत के कुरान के सुन्नत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है कि औरतों को महरूम कर दिया जाए, औरतों को उनका हक ना दिया जाए। तो भाई एक जुल्म का मतलब यह होता है कि उसका माल इंसान जो है वो नाजायज तरीके से खा जाए। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता। दूसरे जुल्म इस तरह कि उसकी गीबत करे, उसके ऊपर बोहतान लगाए, उसके के बारे में ऐसी बातें करे जो उसके लिए दिल आजारी का सबब हो, यह भी जुल्म है। किसी से बात करते वक्त ऐसा अंदाज इख्तियार करना, ऐसा गुस्सा करना कि जिसके नतीजे में उसका दिल टूट जाए, यह भी जुल्म है। तो एक लफ्ज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी
बात बयान फरमा दी कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, लिहाजा उसके ऊपर कभी जुल्म नहीं करेगा, एक पाई का जुल्म नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई कलमा ऐसा नहीं बोलेगा जो उसके लिए दिल आजारी का सबब हो, सताने का सबब बने। सारी बातें इसमें आ गई। अगर उसकी तफसील में जाए इंसान तो पूरा पूरी शरीयत के आकाम इसके अंदर आ जाते। दूसरी बात जो फरमाई, वला युस्लिमहु, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी जालिम के कब्जे में नहीं रहने देता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी जालिम के पास बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, यानी खुद तो जुल्म करता ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं देख रहा है कि जुल्म हो रहा है, एक शख्स दूसरे पर जुल्म कर रहा है, एक जालिम है एक मजलूम है, तो वो देखता रहे उसको कि जुल्म जुल्म मुझ पर तो नहीं हो रहा, दूसरे पर हो रहा है, उस दूसरे की कोई मदद ना करे, उसको जालिम से छुड़ाने की कोई कोशिश ना करे। यह है जिसको फरमाया ला युस्लिमुहु, यानी किसी मजलूम को उसके दुश्मन के हवाले नहीं छोड़ता कि बस उसके हवाले कर दिया जाए, और ये देखा बैठा देखता रहे कि जालिम उस पर जुल्म कर रहा है, और ये उस जुल्म को मना करने पर कादिर होने के बावजूद उसकी मदद ना करे और उसको जालिम के पंजे से ना छुड़ाए, ये भी किसी मुसलमान का काम नहीं है। बल्कि जितना किसी शख्स की कुदरत में हो, इस्तेआत में हो, वो अपनी सी पूरी कोशिश करे कि किसी मजलूम को जालिम के शिकंजे से निकाले, ये भी एक फरीजा है जो हर मुसलमान के जिम्मे आयद होता है। एक आदमी को आप देख रहे हो कि फजूल पिट रहा है, बिजा बिला बजा एक शख्स दूसरे पर जुल्म कर रहा है, आपके लिए जायज नहीं है कि खामोश होकर बैठ जाओ, बल्कि हत्तल इम्कान अपनी बिसात के हद तक, अपनी सतात के हद तक उसको जालिम के पंजे से छुड़ाना आपके जिम्मे जरूरी है। जैसे इंसान को अपने ऊपर अपने दिफा का हक हासिल है, मेरे ऊपर अगर कोई शख्स हमलावर हो जाए, मुझे अल्लाह ने यह हक दिया है कि मैं उसका मुकाबला करूं, इसी तरह अगर किसी मुसलमान पर नाहक जुल्म हो रहा है तो हर मुसलमान का फर्ज है कि उसको छुड़ाए। तमाशा ना देखे कि वो तमाशा देखने के खड़ा हो जाए, देखे कौन गालिब आता है, जालिम या मजलूम, बल्कि उसके जिम्मे वाजिब है कि वो उसको छुड़ाने की कोशिश करे। आगे हदीस का दूसरे हिस्से, वक्त कम है तो इंशाल्लाह ने जिंदगी दी तो मजीद जो बाकी हिस्से हैं उनके बारे में अर्ज करूंगा, लेकिन ये जो फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को जालिम के हाथों पिटते हुए ना देखे, बल्कि अपनी हद तक उसकी इमदाद करे, उसकी नुसरत करे, उसको जालिम के पंजे से बचाने की कोशिश करे, ये इंसान के जिम्मे, ये हर मुसलमान के जिम्मे उसकी उखुव्वत इस्लामिया का फर्ज है। लिहाजा इसी की तशरीह एक और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल इन्नमल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, इज़्तका मिनहु उज़्वुन तदालहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जैसे एक जिस्म के किसी उज्व को कोई बीमारी लायक हो जाए, हाथ में तकलीफ हो गई तो उसके तकलीफ जो है सारा जिस्म महसूस करता है, और सारा जिस्म बाज़ औक़ात उसकी वजह से उस जिस्म को बुखार चढ़ जाता है, बाज़ औक़ात वो रातों को जागता है, किस लिए कि मेरे एक जिस्म जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो गया है, और किसी की आंख में तकलीफ हो गई तो सारा जिस्म उससे मुतासिर होता है। तो फरमाया कि मुसलमान सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर इस मुसलमान में से किसी एक मुसलमान को या एक मुसलमान गुरोह को कोई
तकलीफ पहुंची है तो उस तकलीफ का सदमा और उस तकलीफ का दुख हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। और फरमाया अल मुस्लिमून कल बुनियाने शुद्ध बादहुम बादा, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह है कि इमारत का हर हिस्सा वो पूरी इमारत की मजबूती का जरिया होता। ये जो इरशाद है ये मैं इसलिए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज हम फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मजलूमियत अपनी अश्कबार आंखों से देख रहे हैं। बच्चों पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर हो रहा है, 22,000 से ज्यादा शहदा हो चुके हैं और उसमें औरतों की तादाद और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे जो भी नौजायदा बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, अभी उनको मां का दूध नसीब नहीं हुआ, उससे पहले इस जालिम दुश्मन ने उनको शहीद कर दिया। ये सारा नजारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन क्या ये हर शख्स अपने गरीबान में मुंह डालकर ये सवाल करे कि ये सारा नजारा मैं देख रहा हूं, ये तमाशा हो रहा है मेरे सामने, इसके अंदर मैं कितना कितनी मदद कर सकता हूं, माल से, जान से, आवाज उठाने से। असल बात तो ये थी कि वहां पर जाकर इंसान खुद बताते खुद लड़ाई में शरीक होता और मुसलमानों की मदद करता, असलहा से मदद करता, अपनी जान से मदद करता, लड़ाई से मदद करता। लेकिन अफसोस है कि हमारे हरीफों ने, हमारे दुश्मनों ने ऐसे हिसार कायम कर दिए हैं जिनकी वजह से अब वो सूरत हाल मुश्किल हो गई है कि आदमी एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होकर अपने भाइयों की मदद करे, भाइयों बहनों की मदद करे। लेकिन अव्वल तो उसकी कोशिश भी हमारा फर्ज है कि इन हिसारों को उठाया जाए, इन पाबंदियों को खत्म किया जाए जिसकी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जाकर जिस्मानी तौर पर मदद नहीं कर सकता। इसके लिए भी कुछ कोशिशें हो रही है, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। लेकिन हर आम इंसान जो बेचारा ये नहीं कर सकता तो वो दो काम तो कर सकता है। वो काम ये है कि वो अपने मजलूम भाइयों बहनों की मदद के लिए जो कुछ दे सकता हो वो दे, उसके रास्ते तलाश करे कि कहां से मैं उनको मदद पहुंचा सकता हूं माली तौर पर। क्योंकि हालत ऐसी है कि पूरा गजा शहर जो है वो उजड़ गया है, घर मुनहदिम हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा, गजा नहीं मिल रही, इलाज मुयसर नहीं है, दवाएं मौजूद नहीं है। ऐसे हालत में हर मुसलमान का ये दिल में दर्द होना चाहिए कि किसने मैं कितनी मदद कर सकता हूं। और इसमें गरीब अमीर का भी कोई फर्क नहीं। याद रखो, अगर कोई गरीब आदमी जो मालदार नहीं है, ज़कात भी उसके जिम्मे फर्ज नहीं है, लेकिन वो एक रुपया तो दे सकता है, 10 रुपए तो दे सकता है। वो 10 रुपए जो एक गरीब आदमी अपनी तनख्वाह में से अपना पेट काट कर 10 रुपए दे रहा है, वो उस 10 लाख और 10 करोड़ से बेहतर है जो एक अमीर आदमी दे रहा है। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इखलास में वो बरकत रखी है कि थोड़ा सा जो माल है, थोड़ी सी जो रकम है, जो इंसान अपनी इस्तात की हद तक महदूद रखकर अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में खर्च कर रहा है, उसकी बरकत ऐसी होती है कि वो लाखों रुपए के ऊपर भारी आ जाती है, फायदा भी उसके ऐसे ज्यादा पहुंचता है। तो एक तो हर मुसलमान के दिल में यह दर्द होना चाहिए, मैं किस तरह पैसे पहुंचाऊं
उनको, अल्हम्दुलिल्लाह कई रास्ते खुले हुए हैं, जो कम से कम जो गजा के मजलूम हैं उन तक पहुंचाने के बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, और बहुत से तंजीमें हैं जो उसमें काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दारुलूम की तरफ से भी उसका इंतजाम मौजूद है। तो लेकिन बस आदमी देखता रहे और कभी कुछ उसके अंदर हिस्सा ना ले, ये इस हदीस के खिलाफ है, बला युस्लिमुहु के खिलाफ। हमारे अंदर ये दर्द होना चाहिए और दूसरों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, दूसरों को इस पर आमादा करना चाहिए कि वो ये इमदाद पहुंचाए। और सबसे बड़ी इमदाद वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से इंसान दुआओं में उनको शामिल करे, दुआ में शामिल करे। कोई नमाज खाली नहीं जानी चाहिए जिसमें उन मुजाहिदीन के लिए और उन मजलूमीन की फतह नुसरत के लिए दुआ ना हो। ये दुआ समझ लो मामूली चीज नहीं है, ये मोमिन का हथियार है। इस हथियार की वजह से अल्लाह ताला ने छोटी छोटी जमातों को बड़े बड़े लश्करों पर फतह अता फरमाई है। लिहाजा अगर और कुछ नहीं तो इंसान ये तो करे कि उसकी कोई नमाज इन मजलूमों और इन मुजाहिदों के लिए दुआ से खाली ना हो। तो ला युस्लिमुहु, अगर हम ये नहीं करेंगे कि जो कुछ हमारी इस्तात में है वो हम नहीं करेंगे, तो इस हदीस की बाईद में आएंगे कि मोमिन नहीं है वो शख्स जो दूसरे को, मजलूम को, जालिम के हाथ में देखने के बावजूद उसकी कोई मदद न करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।